नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र, वैज्ञानिक टीम मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में हेवी टू वेरी हेवी बारिश दर्ज किया। कुछ जगहों से आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म का भी रिपोर्ट है। वेस्ट एमपी में देखा गया तो वाइड स्प्रेड बारिश हुआ है। 31 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, 175.4 मिलीमीटर वेरी हेवी रेनफॉल है। 3 स्टेशन वेरी हेवी रेनफॉल और 9 स्टेशन हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया। ईस्ट एमपी में भी वाइड स्प्रेड बारिश हुआ, 24 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। सबसे ज्यादा बारिश सिंगरौली में हुआ, 104.3 मिलीमीटर, 8 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो वेस्ट एमपी में सबसे अधिकतम तापमान ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ, 34.8 डिग्री, और ईस्ट एमपी में सिंगरौली और छतरपुर में 36.3 डिग्री दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन अभी नॉर्थन एमपी से जा रहे है, जैसे लग रहे तो ग्वालियर से सिद्धी और वहाँ से लो प्रेशर सिस्टम में मर्ज हो रही है। और कल जो लो प्रेशर सिस्टम गैंगटिक वेस्ट बंगाल के ऊपर और नेबरिंग वे ऑफ बंगाल में जो था, वो आज वेलमार्क लो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ है। वो आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले कुछ टाइम में वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव हो जाएगा। सो वो जैसे उसका पैसेज होगा एमपी सेंट्रल इंडिया से, हमारे रीजन में बारिश मिलने का चांसेस है। और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर है, 1.5 किलोमीटर तक वो परसिस्टिंग है। और शियरसोन 18 डिग्री में अभी भी परसिस्टिंग है। और ऑफशोर ट्रफ भी साउथ गुजरात से नॉर्थ केरला तक अभी भी परसिस्टिंग है। तो यही है अभी का मेजर सिस्टम। सो ये सिस्टम की वजह से अभी आने वाले दिनों के लिए हमने फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। आप यहाँ कल भी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सारे रीजन में, मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ा सा वेरी हैवी से हेवी रेनफॉल तक हम दे रहे हैं मोस्टली सेंट्रल रीजन में, जैसे रायसेन, सागर, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और ईस्ट एमपी में नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, पांडुर्ना, जबलपुर, ये रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में भारी वर्षा का चांसेस है। उसके बाद देखा गया तो सिस्टम थोड़ा, मतलब एक्टिविटी तो डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑलमोस्ट मेनी टू फ्यू टू मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है, लेकिन डे 3 के लिए हमने कहीं पे भी हैवी रेनफॉल का प्रपोजल नहीं दे रही है। लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलते रहेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट में, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का वार्निंग जारी किया है। और डे 4 में भी ऑलमोस्ट यही स्थिति कंटिन्यू रहेगा, साउथ से सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और साथ साथ थंडरस्टॉर्म का भी वार्निंग जारी किया है, हेवी रेनफॉल वार्निंग नहीं है। और फिफ्थ डे में देखा गया तो रेनफॉल एक्टिविटी फिर से इंक्रीज हो रही है। सो मोस्टली सेंट्रल टू ईस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और साथ साथ हेवी रेनफॉल का वार्निंग भी दे रही है, स्पेशली ईस्टर्न एमपी का, उमरिया, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, दमोह, पन्ना, ये डिस्ट्रिक्ट्स में। और वेस्टर्न एमपी में भी विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल और ग्वालियर चंबल में मुरैना, दीप, ये रीजन में भी आइसोलेटेड बारिश का चांसेस रहेंगे डे 5 के लिए। धन्यवाद।